समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने कई साल पहले ये नारा दिया था कि सड़कें जब सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। अगर आज लोहिया जी जीवित होते तो पंजाब के किसानों की हालत देखकर खून के आंसू रो देते। क्या लोकतंत्र में आंदोलन की कोई जगह नहीं, विरोध का कोई स्थान नहीं है? क्या इस देश में अब तक कोई आंदोलन नहीं हुआ है? किसान आंदोलन में पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर जो बर्बरता हुई, क्या इसे कोई जस्टिफाई कर सकता है? किसानों पर जुल्म एक निरंकुश मानसिकता की शुरुआत मात्र है। बेशक देश के संविधान में जनता को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन फिर किसानों के इस आंदोलन में माहौल बिगाड़ने की शुरुआत किसने की? किसने सड़कों को बॉर्डर की शक्ल दी? संविधान किसी को इस तरह सड़कें बंद करने का अधिकार नहीं देता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में भारतीय नागरिकों को कई अधिकार दिए गए हैं, पर अनुच्छेद 19 विशेष रूप से उल्लेख करता है, जिसमें बोलने और लिखने की आजादी, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आजादी, कोई संगठन बनाने की आजादी, पूरे देश में आने जाने की आजादी, देश के किसी भी कोने में जाकर रहने की आजादी, व्यापार करने की आजादी की बात कही गई है। यहाँ तक कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, बशर्ते सड़कें यानी नागरिकों के आवागमन को अनिश्चित काल के लिए बाधित ना किया जाए। मीडिया के जरिए सबने देखा कि इस बार किसानों ने तो कोई सड़कें नहीं रोकी, उल्टा हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि लगता है जैसे देश में कोई इमरजेंसी लग गई हो। संविधान में विरोध का अधिकार है क्या? हालांकि विरोध का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत स्पष्ट अधिकार नहीं है। इसे अनुच्छेद 19 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इसके अनुसार अनुच्छेद 19(1)(a) में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और सरकार के आचरण पर स्वतंत्र रूप से राय व्यक्त करने का अधिकार मिलता है। 19(1)(b) के तहत किसी को भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संघ या संगठन बनाने का अधिकार मिलता है। 19(1)(c) के तहत शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार और साथ ही लोगों को प्रदर्शन, आंदोलन और सार्वजनिक सभाएं करने का अधिकार भी इसी के तहत मिलता है। आइए अब डालते हैं संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर एक नजर। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2019 में शाहीन बाग विरोध के संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक रास्तों और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता। रामलीला मैदान घटनाक्रम बनाम गृह सचिव, भारत संघ एवं अन्य मामले 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, नागरिकों को एकत्रित होने और शांतिपूर्ण विरोध का मौलिक अधिकार है, जिसे एक मनमानी कार्यकारी या वैधानिक कार्यवाही से नहीं हटाया जा सकता। क्या भारत का संविधान मूल रूप में दया, करुणा, सकारात्मकता, मानवता और सहृदयता पर आधारित नहीं है? हम क्यों और कैसी निरंकुशता के लिए आयाम स्थापित कर रहे हैं? भारत की जनता का बड़ा वर्ग आज क्यों इस निरंकुशता का पुजारी बन गया है? याद रहे कि जब जनता का बड़ा वर्ग निरंकुश और हिंसक हो जाए तो तालिबान जैसी व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। जो पंजाब के किसानों के साथ हुआ वो गलत हुआ। अगर सरकार एमएसपी नहीं दे सकती थी तो फिर उसका वादा क्यों करती है? और अब आखिर में इस वीडियो के साथ आपसे विदा लेते हैं।